हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेवियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी पर्सन की पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में एडिटिंग करके कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टेक से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें इस फ़ोटो की पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, ये देखिए इस फ़ोटो की जैसे मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, उसके सर्च ऑप्शन में टाइप करना है remove.bg। तो remove.bg टाइप करने के बाद इसको आप सर्च करेंगे, तो सर्च जैसे ही करेंगे आपको इसका इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद आप यहां अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ाइल के फोल्डर में चले जाएंगे, और जहां भी आपकी फ़ाइल रखी है वहां से आपको फ़ाइल पिक करनी है। तो आप फाइल पिक करने के बाद, जैसे आप फाइल पिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपकी फ़ाइल है यहाँ पर इसने बैकग्राउंड को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और जितने भी आपकी फ़ोटो है वो रखी है। तो सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना, तो डाउनलोड देखिए नीचे हो गई है। तो अब आपकी फ़ाइल जहाँ भी डाउनलोड हुई है वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि मेरी फ़ाइल डाउनलोड के फोल्डर में गई है, तो यहाँ से मैं अपने फ़ाइल को ओपन करता हूँ। तो देखिए ये मेरी फ़ाइल है। इसके बाद आप यहाँ से सिंपली जितना भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो की साइज होती है उतना आपको इसको क्रॉप कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसको दोनों शोल्डर बराबर और थोड़ा चेस्ट से नीचे, और बाकी आपका फेस पूरा इतना आपको इतना हिस्सा आपको क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप करने के बाद ऊपर सेव एंड कॉपी का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस फोल्डर में आपको रखना है वहाँ उस फोल्डर में रखिए और सेव कर दीजिए। तो ये आप उतना क्रॉप होके आपकी उस फाइल में उस फोल्डर में आपका ये देखिए चला गया है। तो देखिए इतना फ़ोटो आपका क्रॉप होके इतना आ गया है। अब इसके बाद आपको सिंपली फोटोशॉप के एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फोटोशॉप के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जहाँ भी वो आपने फाइल क्रॉप की थी वहाँ से आपको पिक कर लेना है। देखिए फाइल पिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ गई है। तो सबसे पहले हम इसका कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो कलर एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले इसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इमेज पे आएंगे और एडजस्टमेंट में आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन पर आएंगे। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा इसको इसमें डार्क लाइट भी कलर नहीं रखना चाहिए और ना ही ज़्यादा इसमें लो लाइट कलर रखना चाहिए, मीडियम रखिए। और इतना करने के बाद इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर इसको क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर देखिए क्रॉप का टूल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, विड्थ आपको 3.2 सेंटीमीटर, हाइट 4.2 सेंटीमीटर और रेजोल्यूशन 300 रखना है। और इस वाले बॉक्स में पिक्सल और इंचेज आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिंपली माउस के राइट बटन क्लिक करते हुए ऊपर से नीचे इस फोटो में ड्रैग करना है। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये 3.2 और 4.2 सेंटीमीटर के रेशियो में ये फ़ोटो आ जाएगी। कीबोर्ड की राइट एंड लेफ्ट बटन की प्रेस करके इसको सेट कर ले और इंटर कर देना। इसके बाद आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको इस बॉक्स के ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करना है और ऐसा पॉपअप विंडो खुले। इसके बाद जो भी कलर आपको एडजस्ट करना है बैकग्राउंड में आप वो सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स में वो कलर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली सेट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद आप सिंपली आपको यहाँ दो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। पेंट का जो एक टूल है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद इसके बैकग्राउंड में आके आप माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में वो कलर फिल हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है।
तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। इसके बाद इसमें स्ट्रोक लगाना है तो आपको रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है और ऊपर से नीचे माउस के राइट बटन क्लिक करते हुए नीचे तक ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद आपको इसमें स्ट्रोक लगाने के लिए सबसे पहले आपको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। यहाँ आप माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और नीचे आप देखेंगे स्ट्रोक का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ ब्लैक कलर आपको सिलेक्ट करना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 पिक्सल का ही आपको बिट रखनी है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसके साइड साइड में आप देखेंगे स्ट्रोक लग गया है, जिससे फ़ोटो और भी अच्छी और शानदार लग रही है। तो दोस्तों आपकी ये फ़ोटो अब रेडी हो गई है। अब दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे ये पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ कस्टम की जगह आपको A4 साइज सेलेक्ट करना है और A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप बिट देखेंगे 210 mm और हाइट 297 mm और रेजोल्यूशन 300 और 8GB कलर रहेगा और यहाँ पर आप वाइट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपको पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपली आपको ये फ़ोटो जो है आपको इस पेज में लाना है, तो इसके लिए आप सिंपली मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ़ोटो पर एक बार क्लिक करेंगे जिससे कि ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा और सिंपली आपको माउस की राइट बटन क्लिक करते हुए नए पेज पर ये फ़ोटो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देने। फ़ोटो एडजस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ माउस की राइट बटन क्लिक करते हुए अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर ले। इसके बाद आपको अल्ट बटन प्रेस करते हुए माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे तो आप इसकी जितनी भी कॉपी है वो बना सकते हैं कंटिन्यू। तो इस तरह से आप फ़ोटो को बना सकते हैं। इसकी और भी कॉपी बनाने के लिए आपको सिंपली रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और सिंपली ऊपर से नीचे जितने में भी फ़ोटो आपकी है उतना आपको सिलेक्ट कर लेना है ऊपर से नीचे तक। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करना है और साथ में सी बटन प्रेस करना है, जिससे कि आपको ये फ़ोटो कॉपी हो जाएंगी। इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करके माउस की राइट बटन क्लिक करते हुए नीचे फ़ोटो को ले आना है। देखिए जैसे आप नीचे लाएंगे तो जितने भी उसकी कॉपी हैं एक साथ नीचे आ जाएंगी। और इसकी अदर और भी कॉपीज बनानी है आपको, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ अल्ट बटन प्रेस करते हुए माउस की राइट बटन नीचे करते हुए आएंगे तो सिंपली आपकी इसकी और भी कॉपीज बनती हुई चली आएंगी। तो इस तरह से हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद इन फ़ोटोज़ को आपको प्रिंट देना है, तो इसके लिए आपको सिंपली फाइल के ऑप्शन में जाना है। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे प्रिंट विद प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके आगे फिर आपको स्केल टू फिट मीडिया इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पेपर या क्वालिटी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और पेपर या क्वालिटी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पेपर टाइप में आपको प्लेन पेपर की जगह HP ग्लॉसी ब्राउचर पेपर या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आप एडवांस की सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ प्रिंट विद मैक्स DPI ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर यहाँ ये विंडो पर आप ओके करेंगे तो आपके प्रिंटर से फ़ोटो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ही इजी तरीके से और सिंपल तरीके से